फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी रेसिपी को देखते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम शिमला मिर्च बनाएंगे और इन्हें आज हम भर के ही बनाएंगे। ये बहुत ही चटपटे लगते हैं खाने में, टेस्टी लगते हैं, तो आइए हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बॉईल किए हुए आलू ले लेंगे और दो मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज ले लेंगे। इसी में मैंने लहसुन को भी बारीक बारीक काट लिया है। अमचूर पाउडर ले लेंगे और एक गरम मसाला ले लेंगे। इसी में हम अपने सारे फ्लेवर ऐड्स करेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है मैंने, और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, और नमक टेस्ट अनुसार डालेंगे हम। मैंने इसमें एक चम्मच डाला है, छोटा चम्मच, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो आइए अब हम अपना ये शिमला मिर्च बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल अब गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा डालेंगे हम, इसमें हम अपने प्याज डाल देंगे कटे हुए, हरी मिर्च डाल दिए मैंने इसमें कटी हुई, हमारे प्याज अब भून गए हैं हल्के से। अब इनमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे जो हमने ये निकाले थे अलग से सारे। इस तरह से इसे मिला देंगे हम। इसमें हम अपना अमचूर पाउडर भी डाल देंगे, ये इसको मिलाएंगे अच्छे से। अब हम देखिए, हमारे मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए इस तरीके से। ये अच्छे से मिला लेंगे अब हम मैश करके इन्हें इस तरीके से। देखिए शिमला मिर्च की चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसे अब हम थोड़ा सा देर 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, तब तक कि हम अपनी शिमला मिर्च को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये शिमला मिर्च मैंने तैयार कर ली है भरने के लिए, स्टफिंग करने के लिए, और इसके अंदर का जो ये बीज वगैरह है ये सब मैंने निकाल दिए हैं। तो इसी तरह से इन सारों को हमने निकाल लिया है। तो आइए अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग तैयार है एकदम। अब हम इसमें अपना धनिया डाल देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, भर देंगे चम्मच की हेल्प से, पूरा अच्छे से भर देंगे इसे हम। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये चारों अच्छे से मैंने भर दिए अंदर तक इन्हें। अब मैंने इन्हें हल्के से तेल में फ्राई करूंगी। देखिए, आधा चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल ले लिया, छोटा चम्मच। अब इसमें हम इनको फ्राई करेंगे हल्का सा। ये देखिए, इस तरीके से हम इन्हें डाल देंगे। अब इन्हें मीडियम आंच पर थोड़ा सा 2-3 मिनट तक इसी तरह ढककर रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बार बीच में इनको मैंने पलट दिया है, एक बार और मैं इसी तरह से 2-3 मिनट तक इन्हें पकाऊंगी ढककर हल्के से इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी शिमला मिर्च बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो अब इन्हें हम सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल बहुत टेस्टी सी और यमी सी रेसिपी। तो आप इसको जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है खाने में और आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। इसीलिए मैं आपको ये रेसिपी मैंने आपके लिए तैयार की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक कि फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।